Hello students, today we are starting with maths. In maths today we are going to do about addition and subtraction. आप ये पहले से कर जा रहे हो तो ये आपके लिए easy होगा समझने के लिए. It will be easy to understand. कुछ new things नहीं है, that we are just adding the numbers. हम अब पहले हम लोग कैसे 3 digit number, 2 digit number, 4 digit number हम लोग add करते थे, अभी हम 6 digit number add करेंगे. लेकिन जो process है कैरिंग ओवर का वही चीज है इस एडिशन में. ठीक है, तो यहाँ पे सम दिया है, क्या अमाउंट लिया, क्या दिया है वहाँ पे नंबर 1,43,057. ठीक है, और दूसरा नंबर है 4,21,689. तो इसको हमने ब्लॉक्स बना दिया, हमारा कॉलम बना दिया टेबल का, लैक 10,000 यूनिट्स, उसके प्लेस वैल्यू के हिसाब से हमने उसे अरेंज कर दिया है. नाउ वी विल ऐड 7 + 9, दैट इज 16. तो 1 था तो हमने उसे कैरी ओवर कर दिया है. अभी हम तीनों को ऐड करेंगे, 8 + 5 + 1, दैट इज 14. तो जो 1 था, जो 10 प्लेस में था 1, उसे हमने उसे कैरी ओवर कर दिया 100 पे. तो 1 + 6 = 7, 3 + 1 = 4, 4 + 2 = 6, 4 + 1 = 5. तो हमारा आंसर क्या है, 5,64,746. सेम वे ये जो नेक्स्ट है वही सेम चीज है. यहाँ पे अभी कौन सा नंबर है, दैट इज 10 lakh. आपको ये कॉलम किस हिसाब से बनाना है, आपको देखना है कि डिजिट्स कितने हैं और उसके प्लेस वैल्यू कितने हैं, तो उसके हिसाब से आपको कॉलम्स बनाना है. तो कॉलम क्या क्या आएंगे यहाँ पे, 10 lakh, 10,000, 1,000, 110 units. ठीक है, अभी यहाँ पे हमने उसे प्लेस वैल्यू के हिसाब से जिस जिस कॉलम में जाना चाहिए उसमें हमने डाल दिया है. नाउ वी विल ऐड 3 + 8, दैट इज 11. तो जो 1 था, जो 10 प्लेस पे था, उसने हम उसे हम फॉरवर्ड करते हैं, राइट, तो हमने 1 को फॉरवर्ड कर दिया. तो 7 + 7 + 1, दैट इज 15. तो 1 10 प्लेस पे था तो उसे हमने फॉरवर्ड कर दिया, मतलब कैरी ओवर्ड कर दिया टुवर्ड्स 100. तो 1 + 4 = 5, 2 + 9 + 2 कितना होता है, दैट इज 11. तो 1 फिर से हमने कैरी ओवर किया, 4 + 3 = 1 कितना होता है, 8. 7 + 6 कितना होता है, दैट इज 13. तो जो 1 था उसे हमने कैरी ओवर किया है टुवर्ड्स 10 lakh. तो 2 + 1 = 3, तो हमारा आंसर क्या है, दैट इज 33,81,551. ओके, आप एडिशन इस तरह करते आए हो अभी तक, आप एडिशन इस तरह भी कर सकते हो. ठीक है, विदाउट राइटिंग द प्लेस वैल्यूज, दैट 10 यूनिट 100 वो सब. ओके, नाउ सब्ट्रैक्शन. अब सब्ट्रैक्शन कैसे करते हो, अगर फॉर एग्जाम्पल अगर 3 छोटा है, वेट आई विल एक्सप्लेन दिस थ्रू द एग्जाम्पल, जो हम लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं ना उसके थ्रू हम उसे एक्सप्लेन करती हूँ मैं आपको. ठीक है, आई थिंक मैं कोशिश करती हूँ इसमें आपको एक्सप्लेन करने के लिए. देखो यहाँ पे नंबर्स जितने थे हमने उसी हिसाब से उसको अरेंज कर दिया और हमने उसे ब्लॉक्स में डाल दिया, करेक्ट. नाउ व्हाट इज इट, व्हाट इज हियर, जो और जब आप सब्ट्रैक्ट करो ना, ऑलवेज कीप रिमाइंड दैट जो सबसे बड़ा नंबर है वो ऊपर लिखा जाता है और जो छोटा नंबर है इट इज ऑलवेज बिलो डाउन. सबसे बड़ा नंबर पहले आता है लिखने में और फिर उसके बाद छोटा नंबर, ठीक है, और वो बेसिकली उसी ऑर्डर में भी रहता है, लेकिन इन केस के लिए आई एम गिविंग यू समथिंग दैट. तो हमने उसे अरेंज कर दिया अकॉर्डिंग टू द 10 यूनिट के साथ. अभी 3 है तो 3 - 6, 3 को हम 6 के माइनस कर सकते हैं, नो, तो हम लोग वहाँ क्या कर देंगे, 3 को कट करके उसमें 10 ऐड कर देंगे. 3 के साथ हमने 10 ऐड कर दिया तो कितना हो जाता है, 13. ठीक है, तो हमने उधर क्या हो गया, 13. तो जो आगे वाला नंबर था उसमें से एक माइनस हो जाएगा, तो 4 - 1 कितना बचता है, 3. तो 3 लिख दिया हम लोग ने यहाँ पे, तो पहले हम लोग उसको माइनस कर लेंगे, 13 - 6 होता है 7. फिर से यहाँ पे 3 दिखा हमें, ठीक है, तो उसे हम क्या करेंगे, उसे हम 10 ऐड कर देंगे,
तो 3 को कट करके 30, क्योंकि हम लोग ने वहां पे ऐड किया है ना, इस प्लेस पे हमने 10 ऐड किया, तो हम लोग ने इधर से एक कम कर देंगे, जो नंबर रहेगा यहाँ पे उससे 1 माइनस 1 कर देंगे, तो 8 माइनस 1 कितना होता है 7। क्यों इधर माइनस कर रहे, क्योंकि हमने आगे वाले को एक एक्स्ट्रा दिया है ना, 10 एक्स्ट्रा 10 दिया है ना, इसलिए हम पीछे वाले से एक माइनस कर देंगे, तो 8 माइनस 1 एक काट दिया, 8 में से एक काट दिया, कितना बचा 7, तो हमने 7 लिख दिया। अभी दोनों में से माइनस करो, 13 माइनस 8 दैट इज 5, 7 माइनस 5 दैट इज 2, 7 माइनस 5 दैट इज 2, दिस वॉज इजी। अभी 10 है, ठीक है, तो फिर से 10 है, 0 है, तो 0 का बन जाएगा 10, इसमें हम लोग इधर हम 10 ऐड करते हैं ना, तो 10 हो जाएगा 0 का, और जो 5 था वो हो जाएगा 4, क्योंकि हम उससे जो उसके आगे नंबर रहता उसे हम माइनस कर देते। तो अभी 10 माइनस 2 करो तो 8 मिलेगा, 4 माइनस 9 करेंगे तो मिलेगा नो, इट विल कम नेगेटिव, तो हम लोग 4 को भी और 10 दे देंगे, 4 को कट करके 14 करेंगे, वहां पे हम लोग 10 ऐड कर देंगे, हम वहां 10 ऐड करेंगे, तो हमें मिलेगा 14, और जो 6 है उसका हो जाएगा 5, तो 14 माइनस 9 हो जाता है 5, 5 के नीचे तो कुछ नहीं है, तो ऑटोमेटिकली नीचे हो जाएगा। ये आपने पहले भी किया है क्लास में, बहुत बार आपने सब्ट्रैक्शन भी किया होगा पहले भी, सो इट विल बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड, राइट। सेकेंड थिंग भी वही उसी तरह है, नाउ सब्ट्रैक्शन ऑफ 6-7 डिजिट, जो हम लोग ने सब्ट्रैक्शन इधर किया था 6-7 डिजिट का, वही सब्ट्रैक्शन को इन लोग ने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है विद अनदर मेथड दैट वी कैन राइट दिस नंबर डायरेक्टली, एक डायरेक्ट फॉर्म में भी हम इसे कर सकते हैं विदाउट मेकिंग द टेबल, बट फॉर यू राइट ना इट इज इजी टू मेकिंग द टेबल, जो हम लोग टेबल बनाते आए हैं 100 टेंस यूनिट, तो वो हमें ईजी हो जाता है, सो फॉर यू दैट इज द ईजीएस्ट मेथड राइट नाउ इन द लॉकडाउन। अगर आप क्लास में होते तो आई होप मैं मेरे तरफ से वो सेकेंड मेथड भी आपको एक्सप्लेन कर देती, दैट विल बी मोर ईजी, ठीक है। अभी हम एक्सरसाइज पे आ जाते हैं, एक्सरसाइज में हम कैरिंग ओवर करेंगे, ठीक है। अभी कितना है यहाँ पे, जो नंबर्स थे हमने उसे प्लेस कर दिया अकॉर्डिंग टू द प्लेस वैल्यू, ओके। नाउ हियर व्हाट इज गिवन, दिस नंबर दैट आल्सो आई हैव अरेंज विद द प्लेस वैल्यू, रिस्पेक्टिव प्लेस वैल्यू में जहाँ पे जाना चाहिए वहाँ पे मैंने उसे ऐड कर दिया है। नाउ 4 + 1 कितना होता है, दैट इज 5, 2 + 1 होता है 3, 6 + 3 होता है 9, 6 + 2 होता है 8, 3 + 4 होता है 7, 5 डायरेक्टली नीचे आएगा और 6 भी ऑटोमेटिकली। यहाँ पे कैरिंग ओवर हुआ है, आप देख रहे हो यहाँ पे कैरी ओवर हुआ है, 9 + 3 करोगे तो कितना मिलेगा 11, तो 1 1, राइट। तो अभी यहाँ पे जो 1 था वो हमने कैरी ओवर किया है, क्यों, क्योंकि वो 10 पे से, जो भी आप जब आपको यूनिट प्लेस पे 10 प्लेस पे जब दो दो डिजिट मिलता है तो हम क्या करते हैं हमेशा कि हमें जो 10 प्लेस पे रहता है वो वैल्यू हम आगे कैरी ओवर कर देते हैं। यहाँ पे 1 था तो हमने इसे कैरी ओवर कर दिया, तो 1 2 1 कितना होता है 4, 5 6 कितना होता है 11, तो उस 1 को हमने कैरी ओवर कर दिया है, तो 7 4 1 कितना होता है 12, तो फिर से इधर 1 आया तो 1 को हमने आगे कैरी ओवर किया, क्यों, ये 10 प्लेस पे था वो 1, 1 2 कितना हुआ 2 यूनिट प्लेस पे और 1 10 प्लेस पे, तो वो 1 को हमने कैरी ओवर किया। देन 1 1 कितना होता है 2, 8 3 दैट इज 11, उसको भी कैरी ओवर कर दिया, तो बचा आंसर क्या निकला हमारा 11,22,141, ठीक है। नाउ यहाँ पे हम लोग एक वर्ड प्रॉब्लम करेंगे, व्हाट इज रिटन इन अ सर्टेन इलेक्शन, एक इलेक्शन हो रहा है, मम्मी पापा वोटिंग के लिए जाते हैं ना, तो वोटिंग के लिए 18+ लगता है, तो आपके मम्मी पापा वोटिंग के टाइमिंग में जाते हैं, तो वो पूरा पार्ट क्या होता है इलेक्शन का, तो इसमें क्या बोला है 13,47,000
एंड 48 वुमेन्स, कितने हैं वुमेन्स ने, कितने वुमेन जो औरत लोग रहते हैं वुमेन्स, उन्होंने कितने लोगों ने वोट दिया है, दैट इज 13,47,048, और मेंस कितने थे 14,29,638 कास्ट देयर वोट. तो उन्होंने क्या, उन्होंने वो क्या बोल रहे हैं, अभी उन्होंने वुमेन का अलग से निकाला है, मेंस का अलग निकाला है, अभी वो क्या चाहते हैं दैट ये पूरा वोट टोटल मेन और वुमेन को मिला के कितना होता है. तो हम पहले जो हमारे पास गिवन इंफॉर्मेशन, हम पहले वोट वो लिखेंगे, वोट्स बाय वुमेन, वुमेन लोगों ने कितना वोट दिया वो लिखेंगे, वोट्स बाय मेन, मेन लोगों ने कितना वोट दिया वो हम लिखेंगे यहाँ पे दिस अमाउंट. देखो ये वुमेन का है, ये मेन का है. आप इस ऑर्डर में लिखोगे तो आपको टीचर पूरा फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स देगी. दिस इज द प्रॉपर वे टू सॉल्व द वर्ड प्रॉब्लम. पहले आपको वर्ड प्रॉब्लम में देखना है कि आपके पास क्या गिवन इंफॉर्मेशन है, वो आप पहले बाइफोकेट कर दो, लिख दो, फिर उस सम को सॉल्व करो, ये याद रखो हमेशा. अभी हमें क्या ढूंढना है, दैट टोटल वोट्स पोल्ड, मतलब कितना टोटल हुआ वोट, वोट का टोटल क्या है, व्हाट इज द काउंटिंग. तो हम लोग एडिंग कर देंगे, वी विल राइट दिस वैल्यू डायरेक्ट हियर, ये भी लिख देंगे. आप चाहे तो वो 110 यूनिट वाला हम लोग कॉलम बनाते हैं ना, उस ऑर्डर में भी अभी जैसे सम किया हमने प्रीवियसली वैसे भी बनाओगे, नो इश्यू, आप बना सकते हो, नो प्रॉब्लम. अभी आप ऐड करोगे ना, जब इसको, जब आप खुद बुक लेके बैठोगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा, 27,76,686. तो हमारे पास वोट कितने हैं टोटल ऑल टुगेदर, दैट इज 27,76,686. अभी आपको सेंटेंस देख के भी पता लगाना चाहिए कि दैट इज एडिशन और सब्ट्रैक्शन. अभी सेंटेंस दो अलग अलग वैल्यू के बारे में बताया, उसने क्या लास्ट में बोला कि मुझे इन दोनों का बताना है कि दोनों का टोटल मिला के कितना बनता है, राइट. तो इसका मतलब हमें एडिशन करना है, दिस इज द लॉजिक वे. और या फिर यहीं पे ऑल टुगेदर वर्ड देख रहे, ऑल टुगेदर मीन्स सबका मिला के टोटल, सबका मिला के टोटल हम कैसे करते हैं, क्या यूज करते हैं, दैट इज प्लस साइन. प्लस साइन किधर यूज होता है, दैट इज एडिशन. तो दूसरा तरीका है टू आइडेंटिफाई वेदर द सेंटेंस इज टेलिंग अबाउट द एडिशन और सब्ट्रैक्शन. नेक्स्ट इज, दैट इज ऑल्सो द सेम सम, व्हाट विल बी द सम ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट सिक्स डिजिट नंबर. ओके, दिस इज समथिंग यूनिक है, तो वही चीज मैंने, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन डाला है इसमें. हमें क्या बोला है, व्हाट इज द सम. पहली बात, सम क्या होता है, सम मींस प्लस साइन. प्लस साइन हम क्या यूज करते हैं, दैट इज इन एडिशन. तो हमें ऐड करना है, हमें क्या ऐड करना है, दैट इज द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट सिक्स डिजिट नंबर. हमें सिक्स डिजिट नंबर का सबसे स्मॉल नंबर, सिक्स डिजिट नंबर का सबसे लार्जेस्ट नंबर लिखना है, ठीक है. तो हम पहले लिख देंगे जो हमारे पास गिवन इंफॉर्मेशन है. स्मॉलेस्ट सिक्स डिजिट नंबर क्या है, दैट इज 1 लाख. लार्जेस्ट सिक्स डिजिट नंबर का, दैट इज 9,99,999, ठीक है. अभी हमें क्या करना है, इसका सम ऑफ द नंबर इनका ऐड करना है, ये हमें रिक्वायरमेंट है, ये हमें चाहिए. तो हम इसे ऐड करेंगे तो हमें क्या लिखेगा, क्या मिलेगा, दैट इज 10,99,999. तो हम उसे डायरेक्ट आंसर में प्लेस करेंगे, दैट इज द सम इज 10,99,999. नाउ हियर इज द एक्सरसाइज ऑन बेस्ड ऑन द सब्ट्रैक्शन. ये भी सब्ट्रैक्शन पे है, ठीक है. तो चलो अभी स्टार्ट करते हैं. अभी आप ये जो पिंक लाइन है ना, ये दो पिंक लाइन उसे मत देखो, और ये जो ऑरेंज लाइन है उसे मत देखो, सिर्फ ये दो लाइन को देखो और ये वाली लाइन को देखो. ओके, अभी जो भी यहाँ पे रिक्वायरमेंट थी मैंने यहाँ पे डाल दिया, अकॉर्डिंग टू द प्लेस वैल्यू डिजिट, जो प्लेस वैल्यू पे जाते उसके ब्लॉक्स में मैंने उसे प्लेस कर दिया है, ठीक है. अभी 3 - 6 करने जाएंगे, होएगा नहीं. तो हम क्या करेंगे, 3 को कट करके उसमें हम लोग 10 ऐड कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, 13. 3 + 10 हो जाता है 13.
तो जो दूसरे जगह पे वन था उसे हम कट करें, क्योंकि हमने यूनिट साइड पे एक 10 दे दिया ना, तो हम लोग इस साइड में से उसको माइनस करके उसको जीरो कर देंगे, कर दिया, उसमें से एक कट कर देंगे नंबर, तो वन में से एक कट कर दे तो कितना बचा, जीरो, तो हमने जीरो लिख दिया। इतना होने के बाद हम लोग 13 - 6 करेंगे तो हमें मिलेगा 7। अभी नेक्स्ट पे जाने का, जब एक होता है कंप्लीट तो दूसरे पे जाने का, करेक्ट। तो अभी 0 - 5 करो, 0 - 5 कर पाओगे? नो। तो हम लोग उस जीरो को भी कट करके उसमें 10 ऐड कर देंगे, 10 ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 10। फिर बाद में हम 5 को, फिर हम लोग 5 को कट करेंगे और उसमें से एक वैल्यू निकाल देंगे, 5 है तो उसमें से एक वैल्यू निकाल दिया तो कितना बचा, 4। अभी हम लोग पहला जो पहले वाला था और लिख दिया 4, तो हम लोग पहले वाला माइनस कर देंगे, 10 - 5 दैट इज 5, और 4 - 2 दैट इज 2, 7 - 5, 7 - 2 दैट इज 5, 15। अभी क्या है यहाँ पे, 5 और 8 है, ठीक है। तभी हम 5 8 से कट होएगा नहीं, तो हम लोग 5 को कट करके उसमें 10 ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 15। और जो उसके बाजू में नंबर है दैट इज 8, 8 है तो उसमें से एक वैल्यू निकाल देंगे तो बचा कितना, 7। तो ऊपर हम 7 लिख देंगे। अभी जो रिमेनिंग है दो ब्लॉक है उसमें से हम माइनस करेंगे, 15 - 8 दैट इज 7, 7 - 4 दैट इज 3। तो अभी हमारा आंसर क्या है, दैट इज 375,257। ओके, नाउ नेक्स्ट सम इज आल्सो बेस्ड ऑन दैट थिंग। अभी सेकेंड सम क्या है, दैट इज वही है, हमने 10 यूनिट सम लिख दिया है, उसे अकॉर्डिंग टू प्लेस वैल्यू जैसे हमने डाल दिया है, ठीक है। नाउ वी विल राइट देयर, ओके चलो सर, आई हैव सम प्रॉब्लम ओवर हियर। नाउ सी ऑन द स्क्रीन दैट इज यूनिट साइड दैट इज 9 - 3 कितना होता है, 6। अभी 1 - 2 करेंगे तो कितना होता है, होता है पॉसिबल? नो। तो हम लोग 1 को कट करके उसमें 10 ऐड कर देंगे तो कितना बन जाएगा, 11। तो 11 और जो उसके बाजू वाला नंबर है दैट इज 5, उसमें से एक नंबर निकाल देंगे क्योंकि हमने 10 ऐड किया ना, तो कितना बचा, 4। 5 था ना, उसमें से एक वैल्यू निकाल दिया तो बच गया भी 4। तो अभी जो फिर से पीछे आके हम माइनस करते हैं, 11 - 2 दैट इज 9, 4 - 4 दैट इज 0, 7 - 7 दैट इज 0, 1 - 0 दैट इज 1। 0 है ना, अगर ये ऊपर रहता तो कुछ कर सकते थे, लेकिन 1 बड़ा है ना 0 से, और 0 सॉरी 0 का वैल्यू कुछ होता नहीं है तो इट डजंट कंसीडर्ड ही नहीं होता उसमें, सो दैट 1 डायरेक्टली आ जाएगा, 3 - 0 दैट इज 3, एंड 1 - 1 0। तो यहाँ पे 0 लिखने की भी जरूरत नहीं है, बिकॉज इट इज नथिंग, 0 नथिंग है, आपने पहले भी सीख चुके हैं। दैट इज आर आंसर इज 3,10,096। ओके, नाउ हियर सम वर्ड प्रॉब्लम ऑन बेस्ड ऑन सब्ट्रैक्शन। अभी हम सब्ट्रैक्शन का वर्ड प्रॉब्लम देखेंगे। प्रथमेश वांट टू बाय अ लैपटॉप वर्थ ₹27,450। अभी जो प्रथमेश है उसे लैपटॉप खरीदना है, लेकिन लैपटॉप की प्राइस क्या है, 27,450। ही हैज ₹22,975, बट उसके हाथ में मनी कितना है, 22,975। What is the amount he still needs to be able to buy the laptop? अभी क्वेश्चन हमें क्या पूछ रहा है, और कितना अमाउंट चाहिए टू कंप्लीट दिस, सॉरी टू बाय दैट लैपटॉप। अमाउंट कितना है, 27,450, बट उसके पास कितना है, 22,975। डिफरेंस है ना बहुत। तो नाउ इट द सेंटेंस इज टेलिंग दैट वी हैव टू सबट्रैक्ट। यस, पहले हम लोग लिख देंगे जो गिवेन इंफॉर्मेशन, दैट इज प्राइस ऑफ लैपटॉप कितना है, वी हैव रिटेन द, और प्रथमेश के पास मनी कितना है, द मनी विद प्रथमेश, आई हैव रिटेन हियर। अमाउंट नीड्स, नीड और कितना बाकी है,
तो अभी हम क्या करेंगे, इन दोनों को माइनस करेंगे. व्हेन यू विल डू माइनस इन योर बुक यू विल गेट दिस आंसर, दैट इज 4475. ओके, तो हम उसे आंसर में लिख देंगे, प्रथम स्टिल नीड्स रुपीज 4475 टू बाय द लैपटॉप. ओके, यहाँ पे जो नीड्स है, एक पहली बार सेंटेंस से आपको पता लगाना चाहिए, और दूसरा जो हाईलाइट करा है दैट इज स्टिल नीड्स, इट इज इंडिकेटिंग टूवर्ड द सब्ट्रैक्शन. नेक्स्ट इज अ मैन्युफैक्चर, अ कंपनी मैन्युफैक्चर्ड 44,730 स्कूटर्स इन अ सर्टेन ईयर. कंपनी ने क्या क्या स्कूटर्स बनाया, कितना, 44,730. एक साल में उसने 44,730 स्कूटर बनाया, एंड 43,150 इन द नेक्स्ट ईयर. और जो उसके नेक्स्ट ईयर है आने वाला, उसमें उसने 43,150 में स्कूटर्स बनाए. ना हाउ मेनी स्कूटर डिड द कंपनी मैन्युफैक्चर इन द प्रीवियस ईयर, तो उससे पहले वाले ईयर में उसने क्या बनाया. इन अ सर्टेन ईयर मतलब जो हर ईयर्स में आता है वो ईयर की बात कर रहा है, उसके नेक्स्ट ईयर के लिए भी उसने 43 उसने बना के रखा है, तो उससे पहले वाले ईयर में कितने कितना उसने स्कूटर्स बनाया है, दैट वी हैव टू फाइंड आउट. ओके, स्कूटर्स मैन्युफैक्चर सर्टेन ईयर हमने लिख दिया है, नेक्स्ट ईयर का भी हमने लिख दिया है, अभी कितना बाकी है. अमाउंट नीड्स, सॉरी यहाँ पे स्पेलिंग एरर है, ये अमाउंट नीड आएगा, नीड्स नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा स्कूटर मैन्युफैक्चर्ड इन द प्रीवियस ईयर, ये आपको लिखना है स्कूटर. ये जो अमाउंट नीड आया है वो कॉपी पेस्ट हो गया है, सॉरी फॉर दैट. ये आप मत लिखो ये वाला लाइन, अमाउंट नीड्स क्वेश्चन मार्क, आपको इस जगह पे क्या लिखना है, सी आई एम शोइंग यू स्कूटर्स मैन्युफैक्चर इन द प्रीवियस ईयर, ये आपको लाइन यहाँ पे लिखनी है, स्कूटर्स मैन्युफैक्चर इन द प्रीवियस ईयर, ऐसा डैश डाल के फिर क्वेश्चन मार्क डालो यहाँ पे. सी आई एम टेलिंग यू ओरली, देन बाद में आपको ये क्या करना है, इन दोनों को माइनस जब आप करोगे आपकी बुक में तो आपको कितना मिलेगा, 1580. तो हम आंसर लिखेंगे, द कंपनी मैन्युफैक्चर 1580 मोर स्कूटर्स इन द प्रीवियस ईयर. ओके, नाउ हियर सम एक्सरसाइज. अभी ये एक्सरसाइज किस पे है, मिक्स पे है, मतलब इस एक्सरसाइज में एडिशन भी है और सब्ट्रैक्शन भी है. ठीक है, लेट्स सी. The forest department planted 23,078 saplings. Sapling मतलब जो plant, अगर हम पौधा कुछ लगाते हैं तो उसका एक एक कुछ रहता है हिस्सा, वो उसे हम saplings बोलते हैं. Of खैर, और उस खैर में जो खैर का sapling है, sorry, that is 19,476. Wait a minute. First, I have to see this. Okay. Here it is, clear it out. ठीक है, तो ये जो sapling है, तो forest department ने plant किया है, तो ये जो 23,078 sapling है, that is of खैर. एक खेर एक प्लांट है, तो उधर वो उसकी सैपलिंग्स का अमाउंट है, एंड 19,476 ऑफ बेहाडा बिसाइड सैपलिंग ऑफ सेवरल अदर काइंड्स. और ये कौन सा सैपलिंग का अमाउंट है, दिस 19,476. ठीक है, इफ द डिपार्टमेंट प्लांटेड, अगर ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने प्लांट किया है 50,000, दैट इज 50,000 सैपलिंग्स ऑल टूगेदर, हाउ मेनी वेयर ऑफ द अदर काइंड, तो ये जो अदर काइंड वाले हैं वो कितने हैं. एक तो इस 50,000 में से, ये सेंटेंस क्या बोल रहा है कि डिपार्टमेंट ने प्लांट किया है 50,000 सैम्पलिंग, दे हैव प्लांटेड 50,000 सैम्पलिंग ऑल टुगेदर, तो ऑल टुगेदर में क्या क्या आ जाता है, केयर, बेहाड़ा एंड सेवरल अदर काइंड. ये सेवरल अदर काइंड का आप देख रहे हो, यहाँ पे कुछ अमाउंट नहीं दिया है, तो वो हमें पता लगाना है इसमें. ओके,
तो पहला हम क्या करेंगे, पहला हम इन दोनों का टोटल कर लेते हैं, ये पता लगा दीजिए इन दोनों का टोटल कितना होता है, फिर हमें पता चलेगा कि कितना डिफरेंस आ रहा है दोनों के नंबर के बीचों में। सो फर्स्ट आई हैव रिटेन केयर सैपलिंग कितना है, 23,078 लिखा है। बेयर्डा सैपलिंग्स आई हैव रिटेन हियर, दैट इज 19,476। तो अभी हमें इनका टोटल देखना है, तो फॉर टोटलिंग व्हाट वी विल डू, वी विल ऐड। तो हमने ऐड किया तो हमें क्या मिला, 42,554। तो ये क्या है, दिस इज द टोटल ऑफ बोथ द सैम्पलिंग। तो मैंने ये सेंटेंस लिखा है, द टोटल नंबर ऑफ सैम्पलिंग्स ऑफ केयर एंड बेडाई, दोनों का टोटल नंबर है ना, तो मैंने वो सेंटेंस में मेंशन किया। नेक्स्ट थिंग इज, अभी हमारे पास क्या है, 50,000 और ये नंबर। तो आप देख रहे हो इन दोनों में और डिफरेंस है, ये 50,000 के आसपास भी नहीं है, थोड़ा और दूर है। वो भी हम देखेंगे कि वो कितना दूर है, तो हमें पता चल जाएगा कि वो अदर सैम्पलिंग क्या है। टोटल नंबर लिखा, टोटल नंबर और सैम्पलिंग कितना है, 50,000। सैम्पलिंग ऑफ हम लोग ये अमाउंट यहाँ पे डाल देंगे, तो जब इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमें इससे बचा हुआ पता चलेगा कि वो हमारा क्या है, सेवरल अदर काइंड। तो हमें क्या मिल गया, 7,446। तो अदर काइंड ऑफ सैप्लिंग्स आर 7,446। इस सेंटेंस में क्या बता रहा था कि हमारे डिपार्टमेंट ने, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने इतना अभी तक प्लांट कर दिया है, तो उन्होंने उसमें से जो जो प्लांट किया उन्होंने उसके नाम बताए। तो क्या था, एक खेर था, बेड़ा और अदर सेवरल काइंड। तो उसने खेर का अमाउंट बताया, बेड़ा का अमाउंट बताया, तो उसने सेवरल अदर काइंड का नहीं बताया। तो हमने क्या किया, तो जो अवेलेबल उसने अमाउंट दिया उसको हमने ऐड किया, ये जो सैपलिंग था उसको ऐड किया। फिर जो वो डिपार्टमेंट बोल रहा है कि मैंने इतना ही प्लांट प्लांटिंग किया है, इतना ही मैंने स्लैम्पिंग किया है, सैपलिंग किया है, तो कितना था, 50,000। तो हम लोग ने उसके साथ माइनस कर दिया, तो हमें पता चल जाएगा ना कि क्या कितना बचा है सैम्पलिंग, वो अदर काइंड में क्या आता है। तो वी हैव गॉट द वैल्यू। सेम वे वी विल डू दिस नेक्स्ट सम। द मैनेजमेंट ऑफ अ सर्टन फैक्ट्री हैड रुपीज 25,40,600 in the labor welfare fund. From this fund, rupees 12,37,865 were used for medical expenses. Rupees 8,42,317 were spent on the education of the worker children, and the remaining was put aside for a canteen. How much money was put aside for the canteen? ये भी सिमिलरी है। वो क्या बोल रहा है, एक फैक्ट्री है, ठीक है, उस फैक्ट्री में उसने कितना मतलब अमाउंट डाला है वो लेबर्स के लिए, जो भी जितना जिधर जिधर वो अमाउंट यूज होता है लेबर्स में जो काम करते हैं, तो वो टोटल अमाउंट उसने कितना दिया था, 25,40,600, ठीक है। अभी उस पैसे में से अभी क्या निकला है, पहली चीज दैट इज मेडिकल एक्सपेंस निकला है, कितना निकला है, 12,37,865। और क्या क्या निकला है उसमें से, एजुकेशन ऑफ द वर्कर चिल्ड्रन, जो एजुकेशन एक्सपेंस निकला, फिर वो भी हम लोग ने देख लिया। अभी वो क्या बोल रहा है कि साथ में कैंटीन का भी काम हुआ है, कैंटीन में भी काम हुआ है ना, लेबर जो वर्कर होते हैं, लेबर जो काम करते हैं उसे हम लेबर बोलते हैं, जो ऐसे सीमेंट का काम करते हैं, जो कंस्ट्रक्शन है वो, दैट इज द लेबर्स। तो वो कैंटीन का काम कर रहे, तो उन्होंने क्या काम किया, उधर कितना पैसा किया उधर बताया है नहीं। तो हम पहला ये करेंगे कि जितना भी एक्सपेंस है, जिधर जिधर पैसे गए, इस पैसे में से दैट इज मेडिकल एक्सपेंस और ये एजुकेशन ऑफ द वर्कर चिल्ड्रेन, ये वाला अमाउंट को हम पहला ऐड करके ले लेंगे, हमें पता चलेगा इन दोनों का टोटल क्या रहेगा। तो आई हैव रिटेन मेडिकल एक्सपेंस अमाउंट रिटेन, एजुकेशन एक्सपेंस अमाउंट रिटेन, इन दोनों का ऐड किया तो हमें क्या मिला, एक्सपेंस ऑफ मेडिकल एंड एजुकेशन दोनों का टोटल है, ये लिख दिया। अभी आप देख रहे हो कि इसमें भी फर्क है, देयर इज डिफरेंस बिटवीन द टोटल अमाउंट एंड बिटवीन दिस टू द एक्सपेंस अमाउंट। तो ये इन दोनों का, अगर मैंने इन दोनों को, दिस अमाउंट को और दिस अमाउंट को मैंने माइनस किया, तो आई विल गेट द
वैल्यू ऑफ कैंटीन, तो मैंने फंड लिख दिया और जो ये अमाउंट मिला है अभी वो लिख दिया मैंने, इन दोनों को माइनस करके मेरे को मिल गया बैलेंस, जो रिमेनिंग अमाउंट था, तो वो रिमेनिंग अमाउंट मेरा क्या है, दैट इज दिस अमाउंट इज यूज फॉर द असाइड ऑफ कैंटीन। ओके, नाउ योर होमवर्क इज जो भी मैंने एक्सरसाइज आपको दिया है वो आपको नोटबुक में लिखना है। ओके, बाय।